मैं बता रही हूँ ना, उसमें नहीं ये क्लॉज नहीं है। हाँ हाँ मैं क्लॉज नंबर अभी देखती हूँ। हाँ 23। नहीं आप अपने पास भी चेक करें, कॉपी तो है ना आपके पास। देखिए कि काम मैं बार बार नहीं कह सकती कलीम साहब, ये बात हमारी कल हुई थी, आपने फिर भी मुझे एग्रीमेंट वैसे का वैसा ही भिजवा दिया है। बिल्कुल इसको चेक करें, दोबारा से टाइप करवाएं और फिर भेजें मुझे। जी जी थैंक यू। क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे नहीं समझ आई तुम्हारी किसी भी बात की। हर वक्त तंग करते रहते हो। मेरी मम्मी आप देख रही हैं मुर्तजा को, हर वक्त मुझे तंग करता रहता है, मुझ पे रोब झाड़ता रहता है। इधर आ मेरे पास। क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को भाई तुम? मम्मी कब से मैं कह रहा हूँ कि मुझे चाय बना के देते, बनाई नहीं रही है, ये आप ही ने इसको सर पे चढ़ा रखा है। घर में इतने मुलाजिम हैं तो आफरीन ही तुम्हारी चाय क्यों बना भाई? हाँ मुझे किसी और के हाथ की चाय पसंद ही नहीं है, बस यही बात है। अच्छा तो फिर तो प्लीज कहकर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ना, उसके बावजूद अगर आफरीन की मर्जी होगी तो चाय बनाएगी, वरना मेरी बेटी से जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। हाँ तो बस आप इससे कहें कि ये नाश्ता बनाकर ला दे, फिर बोल दूंगा जो भी है। थैंक यू थैंक यू। बस बस रहने दो, ना तुम्हारा थैंक यू चाहिए और ना ही सॉरी। हाँ लेकिन तुम अगर अपने घुटनों के बल बैठ कर आंखें झुका कर मुझसे रिक्वेस्ट करो कि आफरीन अपने हाथों की चाय पिला दो तो मैं सोच सकती हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, जिसने चाय बनानी है ये उसकी डिमांड है। यार मुरम्मी ये बहुत ज्यादा हो रहा है। चलो जल्दी से कान पकड़ो। जिसमें तुम्हारी खुशी, चलो ठीक है। तुम पागल हो, मेरे नहीं अपने कान पकड़ो। साफ साफ बोलो ना, ये लो और अब जल्दी भाग के जाओ और नाश्ता बना कर आओ। ये हुई ना बात, कितने अच्छे लग रहे हो। मैं जा रही हूँ लेकिन तुम यहाँ से उठना मत और कान मत छोड़ना अपने। क्यों तंग करते रहते हो उस बेचारी को? दिन की शुरुआत भी अच्छी होनी चाहिए। सारा दिन उससे काम करवाते हो, अगर करीम भाई को पता लगा ना तो किसी दिन बुरा मना जाएंगे। अच्छा वो जो मैं यूनिवर्सिटी में सारा सारा दिन इसे ट्यूशन पढ़ाता रहा हूं, वो किसी खाते में नहीं आएगा। अच्छा भाई, वैसे भी करीम चाचा जानते हैं कि मैं तंग कर रहा हूं, बल्कि वो भी मेरा साथ ही देते हैं। ठीक है मर्जी तुम्हारी। बड़ी गलतियां करते हैं ये लोग, फिर क्लॉज एक और भी गलत है। मम्मी आप साजिब से कहें ना कि सब बैकअप वगैरह करके वापस आ जाए यहाँ पर, अभी तक आपको ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह खुद ही देखने होते हैं। Jazib, please slow down.